नमस्ते लर्नर्स एंड सुस्वागतम टू दिस यूट्यूब चैनल क्वालिटी फिजिक्स। आज हम रोटेशनल मोशन और उसमें भी पर्टिकुलरली रोलिंग मोशन का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बच्चों। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है पाथ ऑफ पॉइंट इन अ रोलिंग व्हील। कोई भी रोलिंग व्हील का कोई भी एक हम पॉइंट ले लेंगे और व्हील जैसे जैसे रोल करता जाएगा तो उस पॉइंट का पाथ कैसा होगा, उस पॉइंट की ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। और आई बेट यू कि आप कई चीज़ें इसमें नहीं सीखोगे, तो मैं आशा रखता हूँ कि आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखोगे और कई सारी चीज़ें आप नोट भी कर सकते हो, तो आप नोट भी करोगे। तो एक सिंपल केस लेते हैं बच्चों। अपने सामने एक व्हील है, व्हील का सेंटर वी वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब हर एक पॉइंट की जो ट्रांसलेशनल स्पीड होगी वो वी होगी, और व्हील अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से रोटेशन कर रहा है। अब मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूंगा, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है जो अभी ग्राउंड के टच में है, पॉइंट ए। मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अभी है 0 0, अभी ये पॉइंट है ओरिजिन पे, ठीक है, टी बराबर 0 की बात कर रहा हूं मैं। ये वाला ए पॉइंट ओरिजिन पे है और ये व्हील रोल करता करता आगे जा रहा है राइट साइड। तो मानो किसी टी टाइम पे व्हील यहां पे है, तो जैसे ये व्हील रोल करेगा तो ये पॉइंट भी उसकी पेरिफेरी पे रोल करता 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 रोटेट करता करता इस टी टाइम पे मानो यहां पे ए पॉइंट पे पहुंच चुका है वो। यह है टी टाइम की बात। तो सबसे पहली चीज, उसका सेंटर कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा होगा, तो टी टाइम में ये सेंटर, देखो सेंटर की स्पीड वी है, तो टी टाइम में ये सेंटर कितना आगे आया होगा, वी टी जितना आगे आया होगा, ये टी टाइम की बात कर रहा हूं। और अगर ये व्हील ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो टी टाइम में ये पॉइंट मानो यहां से यहां तक रोटेट करते करते, तो मैं ये एंगल दिखा रहा हूं, मानो ये एंगल थीटा उसने रोटेट किया है, ठीक है। एक्चुअल में ये एंगल यहां से मैं आपको इस अब ये एंगल अभी मैं इस पॉइंट से थीटा दिखा रहा हूं, मैं जनरल रिजल्ट लेना चाहता हूं। अगर पॉइंट ए यहां पे था तो इसी एंगल को हम ऐसे भी दिखा सकते कि इतना रोटेट करके आ गया, अपना रिजल्ट जनरली वही रहेगा, ठीक है। मैं जनरल बात कर रहा हूं, आप समझ सकते हो उस चीज को। तो अभी मैं मान रहा हूं कि ये पॉइंट अभी इस यहां पे है ए पॉइंट, मानो ये वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे है और ये सेंटर कितना आगे हो गया है, वी टी जितना। तो अभी ये वाले ए पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट लिखना हो, अगर मुझे उसकी पोजीशन लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं पहले इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगा बच्चों। तो देखो यहां पे ओरिजिन है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मुझे यहां से लेके यहां तक का एक्स डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। तो पहले ये एक्स डिस्टेंस हो गया वी टी, ये वाला वी टी डिस्टेंस प्लस इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मुझे इतना ऐड करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक मुझे एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, आर साइन थीटा, इसलिए इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वी टी प्लस आर साइन थीटा, थीटा कितना है ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। यहां पे ओरिजिन माना है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वी टी प्लस आर साइन ओमेगा टी। आपको इस थीटा यहां पे लेना हो अगर, तो आप अभी ऐसा अपने आपको कन्विंस कर लो कि ये ए पॉइंट अभी यहां पे है, इस जगह पे ए पॉइंट यहां पे है, टी इज इक्वल टू जीरो पे ए पॉइंट यहां पे है और टी टाइम पे ये घूमता घूमता यहां से लेके यहां तक आ गया है और ये ओरिजिन है, ठीक है। आप अपने आपको ऐसा कन्विंस कर सकते हो, और ये ऐसे घूम रहा है यहां पे ओमेगा से, ये ओरिजिन है, ए पॉइंट अभी यहां पे है और जब ये व्हील इस पॉइंट से यहां तक मोशन करते करते आया है, व्हील की मोशन यहां से यहां तक है, तो ए पॉइंट इस ए पॉइंट की पोजिशन पहले यहां पर थी तो वो रोटेट करता करता यहां पर आ गया, तो ये मुझे मिल गया एक्स कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट की बात करूंगा, यहां पे ओरिजिन है तो मुझे वाई हाइट लेनी है, तो ये उसकी जो हाइट हो गई, ये हो गया उसका वाई कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। तो हाइट कितनी होगी बच्चों, तो ये वाली हाइट आर है और प्लस इतनी हाइट मुझे ऐड करनी पड़ेगी जो है आर कॉस थीटा, ये है आर कॉस थीटा, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया आर प्लस आर कॉस ओमेगा टी। तो अब मुझे किसी भी पॉइंट का जनरल, मुझे किसी भी टाइम पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की इक्वेशन मिल चुकी है, जहां पे एक्स कितना है वी टी प्लस आर साइन थीटा और वाई है आर प्लस आर कॉस थीटा। ये दोनों इक्वेशन मिला के जो शेप रिप्रेजेंट करती है उस शेप को कहा गया है साइक्लोइड, इसको कहा गया है साइक्लोइड। और ये शेप बड़ा फेमस है और आपको कई जगह बुक में और कई जगह कोचिंग में भी आपको करवाया जाएगा कि रोलिंग व्हील का कोई भी पॉइंट साइक्लोइड पाथ फॉलो करता है। लेकिन आज इस चीज को हम और डिटेल में देखेंगे और साइक्लोइड के तीन टाइप है, हम तीनों टाइप की डिटेल में स्टडी करेंगे,
यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल भी लिया है गूगल में से, एक इमेज मैंने ली है। ये मानो मेरा कोई पॉइंट है यहाँ पे ए पॉइंट, और ये व्हील जैसे मूव करता करता यहाँ पे आया तो ये ए पॉइंट घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, और ये व्हील जैसे मूव करता इस जगह आएगा तो ये वाला ए पॉइंट वापस मूव करता करता यहाँ पे आ गया। अब ये व्हील वापस यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ए पॉइंट ये वापस ऐसे घूमते घूमते इस जगह पे आ गया, ए पॉइंट वापस यहाँ पे जाएगा तो ए पॉइंट वापस यहाँ पे आ गया, वापस ए पॉइंट अपनी इनिशियल जगह पे यहाँ पे आ रहा है। तो देखो ए की ट्रेजेक्टरी ये आपको दिख रही होगी, ए इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, इस ट्रेजेक्टरी को कहते हैं साइक्लोइड। तो सिर्फ ये ए पॉइंट नहीं, व्हील का कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो तो ये भी उसी तरीके की कोई ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा, ये वाला पॉइंट ले लो ये भी कोई ऐसे ही ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा, ये वाला पॉइंट ले लो तो इसकी भी कोई ऐसे ही ट्रेजेक्टरी होगी। तो व्हील का हर एक पॉइंट ऐसे ही ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है बच्चों, और इस ट्रेजेक्टरी को नाम दिया है हमने साइक्लोइडल ट्रेजेक्टरी, जिसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन ये है। ये इक्वेशन एक्स कोऑर्डिनेट की है और ये इक्वेशन वाई कोऑर्डिनेट की है। अब यहाँ पे अपने पास तीन केस बनते हैं, हम तीनों केस की स्टडी करेंगे बच्चों। यहाँ में यहाँ से आपकी नई चीज़ शुरू होगी। मैंने सबसे पहला सिंपल केस लिया है कि मैं ऐसे पॉइंट की ट्रेजेक्टरी की बात करूँगा जिस पॉइंट के लिए वी और ओमेगा आर इक्वल है। ध्यान से सुनना, मैं ऐसे पॉइंट की बात करूँगा जिसके लिए वी और ओमेगा आर इक्वल है। मानो ये व्हील जा रहा है, इसकी वेलोसिटी वी है और ये ओमेगा से घूम रहा है, और इसका v ऐसा है कि v इज इक्वल टू ओमेगा r होगा, r उसकी रेडियस है, ठीक है, r उसकी रेडियस है। तो जो भी पॉइंट इसके पेरिफेरी पे होंगे, देखो जो भी पॉइंट इसकी पेरिफेरी पे होंगे ये सारे ऐसे पॉइंट है जिसके लिए v इज इक्वल टू ओमेगा रिलेशन वैलिड है। तो इनमें से मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, इसकी पेरिफेरी में से कोई भी पॉइंट ले लूँ, उन सारे पॉइंट की ट्रेजेक्टरी एग्जैक्टली ऐसी होगी, सारे पॉइंट की ट्रेजेक्टरी ऐसी होगी। और ये देखो यहाँ पे शार्प टर्न ले रहा है, यहाँ पे ये चीज शार्प टर्न ले रही है। ट्रेजेक्टरी का ये पॉइंट कब आता है बच्चों, हमें ये देखना है ट्रेजेक्टरी का ये पॉइंट कब आता है, जब ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे हो, जब ये व्हील के लोएस्ट पॉइंट पे होगा तब ट्रेजेक्टरी में यहां पे पॉइंट होता है, और इस जगह पे उसकी स्पीड कितनी होती है बच्चों, जीरो होती है। इस जगह पे स्पीड कितनी होती है, यहां पे वापस स्पीड कितनी है, जीरो है। इस जगह पे उसकी स्पीड कितनी है, जीरो है। और ये उसका टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट पे स्पीड हम जानते हैं प्योर रोलिंग में कितनी होती है, 2v होती है, यहाँ पे कितनी होगी, 2v होगी, यहाँ पे कितनी होगी, 2v। तो जब कोई ऐसा पॉइंट ले हैं जिसके लिए v बराबर ओमेगा r वैलिड है, उसकी ट्रेजेक्टरी ऐसी आएगी, नीचे शार्प कर्व आएगा, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी आनी है, जीरो आनी है, तो उसका शेप कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन और भी दो नए केसेस है जो हमें देखने हैं। अब मैं ऐसा पॉइंट ले रहा हूं जिसके लिए v कम है ओमेगा r ज्यादा है, जैसे ये वाला व्हील देखो, ये v है और ये ओमेगा है, जिस रेडियस कैपिटल, तो v इस तरीके से सेट है कि v बराबर ओमेगा कैपिटल r है। अब ये वाला पॉइंट देखो, इस वाले पॉइंट के लिए v कम है लेकिन ओमेगा r ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहां से देखो ये रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस पे है, ये आप देख रहे हो, ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा है, इसलिए इस वाले पॉइंट के लिए वी से ओमेगा आर ज्यादा है। तो अगर मैं अब जैसे जैसे व्हील रोटेट होता रहेगा तो ये पॉइंट भी ऊपर नीचे होता रहेगा, तो ऐसे पॉइंट की ट्रेजेक्टरी देखो इस तरीके से आएगी, ये भी साइक्लोइडल ही है, ये भी साइक्लोइड है। तो ऐसा पॉइंट के जिसके लिए v से ओमेगा आर ज्यादा है उसका शेप इस तरीके से आएगा बच्चों। अब ये कैसे पहचानेंगे हम, तो देखो लोएस्ट पॉइंट पे देखो, हम जानते हैं प्योर रोलिंग में हमने बैकवर्ड स्लिपिंग देखा था, मानो v कम है ओमेगा आर ज्यादा है तो उस पॉइंट के लिए हम सबसे लोएस्ट पॉइंट में उसकी वेलोसिटी इस तरफ होती है, ओमेगा आर माइनस वी, याद करो या पढ़ चुके हो, जब बैकवर्ड स्लीपिंग होती है तब लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों, ओमेगा आर माइनस वी, यानी लोएस्ट पॉइंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, जब कोई पार्टिकल लोएस्ट पोजीशन पे होगा तब उसकी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे वही हो रहा है कि मानो कोई पार्टिकल यहाँ पे मूव करता करता जब ये लोएस्ट पॉइंट पे आएगा तब उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ सब पे वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जबकि ये जो पीछे वाला केस था यहाँ पे ये वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी। लेकिन ऐसा पॉइंट कि जिसके लिए v कम है ओमेगा आर ज्यादा है वो अपनी लोएस्ट पोजीशन पे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्यों, क्योंकि v तो आगे है, तो देखो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जिसकी स्पीड कितनी होती है, ओमेगा आर माइनस वी होती है, ओमेगा आर माइनस वी होती है। तो उसकी ट्रेजेक्टरी ऐसी बनेगी बच्चों, यू टर्न लेगा बीच में, मतलब टॉप पॉइंट पे फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो बॉटम पॉइंट पे वो बैकवर्ड मूव करेगा,
ये भी साइक्लोइड ही है, इसका शेप भी साइक्लोइड ही है बच्चों, बस ये आपको शेप पता होना चाहिए। और अब तीसरा केस है, ऐसा पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट है कि जिसके लिए वी ज्यादा है ओमेगा आर कम है, ये ऐसा पॉइंट है जिसके लिए वी ज्यादा ओमेगा आर कम है, तो उस पॉइंट के लिए देखो ऐसा शेप आएगा। जैसे ये वाला पॉइंट देखो, इस पॉइंट के लिए ओमेगा आर कम होगा, वी ज्यादा होगा, तो देखो उसमें आपको शेप ऐसा मिलेगा। ये भी साइक्लोइड ही है, ये भी साइक्लोइड ही है बच्चों। इसका हम केस देखते हैं, जैसे मानो अगर कोई बॉल रोल कर रहा हो, इसका वी ज्यादा है ओमेगा आर कम है, तो हमें पता है कि ये बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आगे की ओर होगी, वी माइनस ओमेगा आर जितनी होगी। तो इसलिए जब कोई पार्टिकल मूव करता करता अपनी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। देखो यहां पे भी वही हो रहा है बच्चों, इस पोजीशन पे तो वेलोसिटी आगे है ही, लेकिन देखो यहां पे भी उसकी वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में, यहां पे भी वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में, कितनी, वी माइनस ओमेगा। तो अगर उसकी ट्रेजेक्टरी हम ड्रॉ करें तो उसकी ट्रेजेक्टरी ऐसे आएगी, यहां पे शार्प टर्न नहीं है, जबकि सबसे पहला केस है देखो उसमें इस तरीके से यहां पे शार्प टर्न है, ठीक है, एकदम नोकीला है ये टर्न, जबकि यहां पे थोड़ी स्मूथनेस है। तो ये आपको पहचानना है कि जब, और दूसरी चीज हम यह जानते हैं कि जब v ज्यादा हो ओमेगा आर कम हो, तो देखो इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी v प्लस ओमेगा आर आनी है, और बॉटम पॉइंट पे भी v माइनस ओमेगा, देखो यानी टॉप पॉइंट पे भी वो राइट साइड जा रहा है, बॉटम पॉइंट पे भी वो राइट साइड जा रहा है। इसका मतलब कि टॉप से लेके बॉटम के हर एक बीच वाले पॉइंट में वो राइट साइड ही जा रहा हो, मतलब उसका एक कंपोनेंट तो राइट साइड ही होगा। इसलिए यहां पे देखो उसकी वेलोसिटी इस तरीके से है, लेकिन वो बॉटम मोस्ट पे भी वो राइट साइड ही जाएगा, जबकि इस जगह पे देखो यहां पे टॉप पॉइंट पे वो इस तरफ जा रहा है, लेकिन देखो यहां से उसने टर्न लिया और यहां पे देखो ये अब लेफ्ट साइड जाने की ट्राई कर रहा है, क्योंकि वी कम है ओमेगा आर ज्यादा है, जबकि यहां पे पूरी जर्नी में ये वाला पॉइंट आगे ही मूव करेगा, पूरी जर्नी में आगे ही मूव करेगा, जबकि यहां पे ये आगे जाके वापस बैक आ रहा है, फिर वापस आगे जा रहा है। ये बैकवर्ड स्लिपिंग वाला केस है और ये फॉरवर्ड स्लिपिंग वाला केस है। तो अपने पास अब टोटल तीन केस हो गए। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपको ट्रेजेक्टरी बतानी है, तो आपको सबसे पहले चेक करना है बच्चों कि उस पॉइंट के लिए v बराबर ओमेगा आर है, v ग्रेटर देन ओमेगा आर है कि v लेस देन ओमेगा आर है। हर पॉइंट की अपनी अपनी ट्रेजेक्टरी आती है। अगर मैं कंक्लूड करूं चीजों को, तो ऑल थ्री शेप्स आर कॉल्ड साइक्लोइड, हम तीनों शेप को साइक्लोइड ही कहेंगे। अगर पार्टिकल कहीं पे भी कम रेस्ट पे आता है, रेस्ट पे आने का मतलब v बराबर ओमेगा आर, अगर ये कंडीशन आती है तो शेप ऐसा आएगा, यहां पे देखो शार्प टर्न ले रहा है। अगर पार्टिकल उसकी मोशन चेंज करेगा, मतलब देखो यहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहां पे बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये कब पॉसिबल है, जब v से ओमेगा आर ज्यादा हो, तब उसका शेप इस तरीके से होगा। और अगर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहां पे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ही है v प्लस ओमेगा आर, यहां पे भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है v माइनस ओमेगा आर, तो देखो शेप कुछ इस तरीके से आएगा और ये स्मूथ है यहां पे। तो अपने पास टोटल तीन केस है, ये तीनों साइक्लोइडल है। ये केस सबसे ज्यादा फेमस है प्योर रोलिंग वाला, लेकिन अगर प्योर रोलिंग नहीं है तो पेरिफेरी में भी ये दो केस बन सकते हैं। और अगर प्योर रोलिंग है, अगर प्योर रोलिंग है तब भी अंदर वाले पॉइंट के बाहर वाले पॉइंट के लिए भी ये दोनों केस बन सकते हैं। जैसे इस वाले केस में देखो ये प्योर रोलिंग कर रहा है, लेकिन अंदर वाले पॉइंट के लिए ऐसा ट्रेजेक्टरी आएगा, और ये भी प्योर रोलिंग कर रहा है, लेकिन बाहर वाले पॉइंट का अगर मैं ऐसे रॉड कनेक्ट करके ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करूं तो उसका ऐसा केस बनेगा, ठीक है। तब मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, वीडियो को पॉज कर सकते हो आप, और एक फेयर ट्राई करो, फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हो। क्वेश्चन ये है, ये व्हील v बराबर 4 की स्पीड से आगे जा रहा है, रेडियस है उसकी 3 मीटर और ओमेगा है 2। ध्यान से सुनना, v है 4, रेडियस है 3, ओमेगा है 2, रोलिंग कर रहा है। तो तीन पॉइंट है, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R। तीन पॉइंट कैसे है, OP बराबर PQ बराबर PR। देखो ये कंडीशन दी है, मतलब ये 1 मीटर हुआ, O से P 1 मीटर, P से Q 1 मीटर और Q से R 1 मीटर। तो मुझे P पॉइंट की ट्रेजेक्टरी, Q पॉइंट की ट्रेजेक्टरी और R पॉइंट की, मुझे इन तीनों पॉइंट की ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करके देनी है। तो मुझे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा P पॉइंट के लिए V बड़ा है कि ओमेगा आर बड़ा है, Q पॉइंट के लिए V बड़ा कि ओमेगा आर बड़ा, और R पॉइंट के लिए V और ओमेगा आर का रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तो देखो यहां पे मैंने नीचे कैलकुलेट किया है, अगर P पॉइंट की बात करूं तो V बड़ा ओमेगा आर छोटा, V तो सबके लिए 4 है, ओमेगा कितना है, ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा है 2,
तो ओमेगा है 2 और पी पॉइंट के लिए आर 1 है। देखो ये डिस्टेंस पी पॉइंट का, ये डिस्टेंस 1 है, यानी पी पॉइंट के लिए वी बड़ा ओमेगा आर छोटा, यानी ये पॉइंट ऑलवेज फॉरवर्ड मूव करेगा, यहां पे भी आगे मूव करेगा, यहां पे भी आगे मूव करेगा, उसकी ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसे होगी। क्यू पॉइंट की बात करो, क्यू पॉइंट के लिए वी 4 है, ओमेगा की वैल्यू 2 और क्यू पॉइंट का आर, देखो ओ से यहां का क्यू का डिस्टेंस ये कितना 2 मीटर हुआ, तो ये इंटू 2, तो ये हो गया v बराबर ओमेगा r, यानी ये q पॉइंट ऐसा है कि जब लोएस्ट पोजीशन पे होगा तब रेस्ट पे होगा, इसलिए q पॉइंट पे देखो यहां पे शार्प टर्न आ रहा है, यहां पे उसकी स्पीड होगी 8 v प्लस ओमेगा r, लेकिन यहां पे उसकी स्पीड है 0। अब r की बात करो, तो r के लिए हम देखें रिलेशन, तो r के लिए v 4 है, ओमेगा है 2 और r पॉइंट के लिए रेडियस है 3, तो देखो ये 4 से 6 बड़ा है, यानी r पॉइंट ऐसा है कि जब भी अपनी लोएस्ट पोजीशन पे होगा तब v छोटा होगा, ओमेगा r बड़ा हो जाएगा, यानी उसकी स्पीड बैकवर्ड आएगी। तो अगर मुझे r पॉइंट की ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करनी हो तो मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, r पॉइंट टॉप पॉइंट पे तो यहां जाएगा लेकिन बॉटम पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बैकवर्ड होगी। और मजे की बात यह कि तीनों शेप साइक्लोइड ही कहलाएंगे, तो जिस पॉइंट के लिए v और ओमेगा r इक्वल है उसकी ट्रेजेक्टरी ऐसे आएगी। बाकी आप इस तरीके से, अगर कोई पॉइंट अपने लोएस्ट पोजीशन पे भी आगे ही जा रहा है तो उसकी ट्रेजेक्टरी ऐसे आएगी, ठीक है। और दूसरी एक चीज, ये ट्रेजेक्टरी देखो, इस जगह पे उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी और इस जगह पे उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, तो आपको ऐसा शेप मेंटेन करके ड्रॉ करना है। मैं शायद अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाया हूं, लेकिन अगर मैं जो ढंग से ड्रॉ करूं तो जिस पॉइंट के लिए वी ज्यादा है ओमेगा आर कम है उसकी ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसे आएगी, ऊपर रेडियस ज्यादा नीचे रेडियस कम, ऊपर रेडियस ज्यादा, ऐसी ट्रेजेक्टरी बनेगी। यहाँ पे देखो सर्कल ड्रॉ करूंगा रेडियस का ज्यादा बनेगी, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूंगा रेडियस कम बनेगी, ठीक है। जिस पॉइंट के लिए वी और ओमेगा आर बराबर है, यानी वो पॉइंट अपनी लोएस्ट पोजीशन पे रेस्ट पे होगा, तो यहाँ पे तो शार्प टर्न लेगा, ऐसे शार्प टर्न लेके तुरंत ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और जो पॉइंट अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन पे फॉरवर्ड मूव करेगा, बॉटम मोस्ट पोजीशन पे बैकवर्ड मूव करेगा, उसकी ट्रेजेक्टरी इस तरीके से आएगी। तो मैं आशा रखता हूँ कि इस वीडियो में आपको कई चीजें नई सीखने को मिलेगी, आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर सकते हो, इसमें से आप और कुछ ज़्यादा पूछ सकते हो, डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपको मेरे वीडियोस और मेरी चैनल पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो ऐसे ही अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।